हम उनसे जुड़ कैसे सकते हैं? मतलब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कोई तरीका नहीं आता, मैंने केवल पहले ध्यान मतलब पूजा सुनी थी, अब ध्यान जानती हूँ मैं, इसके अलावा मैं तीसरी कोई चीज नहीं जानती, किसी एंजल से जुड़ना, किसी स्पिरिचुअल गाइड से, किसी स्पिरिट गाइड से, या कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं जानती। और मैं उसे क्या कहूँ, जैसे समझ लीजिए कि मैं ये भी कह सकती हूँ मेरी बुद्धि मोटी है, मेरे को ये बातें अंदर नहीं जाती, तो मैं मेरे पास क्या तरीका है उन तक पहुँचने का, उनसे जुड़ने का? पूजा, याचना और अर्चना, ये तीनों चीजें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। सिर्फ आपका एक दिल से दिल का कनेक्शन होना चाहिए। और कोशिश करें कि जब भी आप ध्यान कर रहे हों, ध्यान के दौरान ही आप एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एंजल्स उस समय आपकी फ्रीक्वेंसी को जांचते हैं, और जब ध्यान में होते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ऊपर तक पहुंच जाती है। तो एक इजी कनेक्शन जो होता है वो ध्यान के द्वारा ही है, और उसके बाद धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि आप उनके साथ विजन्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, सुनने के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, फीलिंग्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, भावनाओं के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। किस किस हिसाब से, किस किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं वो धीरे धीरे आपको एंजल्स अपने आप बताएंगे, या नंबर्स के थ्रू, क्लाउड्स के थ्रू मैसेजेस, या आप समझेंगे तो कॉइन्स के थ्रू, पैसों के थ्रू, फेदर्स के थ्रू, अचानक से फेदर्स आने शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ में, अचानक से ऐसे कोट्स आप पढ़ेंगे, क्योंकि स्वाध्याय करते हैं हम लोग और बहुत से किताबों को पढ़ते हैं, अचानक से आपको ज़िंदगी के अपने खुद के सॉल्यूशंस जो होंगे उस इस किताब में पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको वो देना शुरू कर देंगे। तो अलग अलग तरीके से उनके साइंस हमारे पास आते हैं। क्या हमारे दुख को दूर करने में ये एंजल्स हमको सहायता प्रदान करते हैं, या किसी बीमारी में, या कोई परेशानी है, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी है हमें फिजिकल, तो उसमें ये हमारे को उससे निकलने के लिए क्या कोई सहायता करते हैं? बिल्कुल विभा जी, बहुत ज़्यादा मदद और सहायता हमको मिलती है। जैसे बहुत से लोग हैं जिनकी वो सहायता कर रहे हैं, ना केवल बीमारियों को ठीक करने के लिए, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, उनकी पूरी ज़िंदगी को सुधारने में जो एंजल्स हैं बहुत हेल्प कर रहे हैं। अब जैसे रिसेंटली ये हुआ था कि कोई जान पहचान के हैं मेरे, और उनके यहाँ पे डेथ हो गई थी, और वो जिनकी डेथ हुई है वो सिर्फ मात्र 24 साल के थे, और उनकी जो वाइफ है वो एक साल छोटी हैं, और उनका 6 महीने का बच्चा भी है। तो उस दुख से वो बाहर निकल नहीं पा रही थी, और किस तरीके से और आगे कैसे बढ़ना है उनको, क्या करना है उनको, तो जब वो एंजेलिक गाइडेंस उनको दी गई, बताया गया एंजल्स के बारे में जब, और उन्हें पता चला कि एक ऐसे ये लोग भी होते हैं, या इस तरीके की एनर्जीज होती हैं, इनके साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हम अपनी ये जो एक ग्रीफ है, ये जो हम अपना दर्द है, ये दुख है जो, उससे भी हम बाहर निकल सकते हैं। तो उस लड़की को जो कि इस गम से, इस चीज़ से गुजर रही थी, उनको बताया गया, उनको सिखाया गया कि किस तरह से एंजल्स के साथ कनेक्ट करना चाहिए। और आप मानेंगी नहीं कि जिस समय वो दाह संस्कार कर रही थी उनका, क्योंकि वो बाहर रहते हैं, जिस समय वो दाह संस्कार कर रही थी, बहुत प्यार से उन्होंने, बिना किसी एक जो जिसे कहते हैं कि एक ऐसा इमोशन कि वो कोई छोड़ के जा रहा है, वैसा इमोशन नहीं था उनके अंदर। वो खुश थी कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जर्नी के लिए, एक बहुत बड़ी यात्रा के लिए अपने हस्बैंड को आगे कर दिया है। तो एक वो अंडरस्टैंडिंग भी आ गई थी, और एक अंदर में जो एक बहुत ज़्यादा दर्द था उसको भी थोड़ा एक रिलीफ जिसे बोलते हैं, वो उनको एंजल्स ने प्रदान किया। और उसी तरीके से एक उदाहरण बहुत ही एक जिसे बोलती हूँ कि इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरी मदर का है वो, और मेरे भाई का है। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो उस समय वो उस चीज़ को कोप अप नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह से करना है, मेरी माँ स्पेशली नहीं कर पा रही थी कि कैसे करना है। बहुत स्ट्रेंथ है उनके अंदर, लेकिन उस समय उनकी डेथ को कोप अप नहीं कर पा रही थी। तो मैं आज बोलूँगी कि उनको 3 साल हो चुके हैं डैड को, और लेकिन वो जो एक दुख था मेरी माँ के अंदर, वो ध्यान के द्वारा और एंजल्स के साथ जो उन्होंने कनेक्ट किया,
उसके द्वारा वो धीरे धीरे जो दुख है वो अब इतना ज़्यादा नहीं है जिसे वो पहले रोती थी, बिलखती थी, बिल्कुल कहीं बाहर नहीं जाती थी, तो आज वो स्थिर है। एक उनका मेंटल स्टेबिलिटी है उनके अंदर कि हाँ, वो एक फेज़ था वो चला गया, उनके साथ जो जितना भी उन्होंने टाइम गुजारा वो बहुत सुंदर था और उनकी जर्नी आगे बहुत अच्छी है, ये सोच के अब वो आज की डेट में मैं कहूँगी तो बहुत ही स्टेबल है। TMC, हिंदी, बदले जीवन।